हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों लाइगर मूवी का फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इससे पहले उनका एक गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम था अकड़ी पकड़ी। तो ये ट्रेलर तो अब लॉन्च हुआ है। वैसे ये मूवी बननी आपकी अनाउंस हुई थी 2019 में, मेरे ख्याल से दिसंबर के अराउंड ये मूवी हुई थी। और उस मूवी का उस समय टाइटल दिया गया था, टेंटेटिव टाइटल था उसका, फाइटर था। तो उसके बाद ये मूवी का क्या हुआ कि ये स्टार्ट हुई शूट होना 2020 में जनवरी में, फिर इसका 40 डेज का शूट हुआ, फिर उसके बाद मार्च में कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से फिर ये लॉकडाउन लग गया था, आपको पता ही था एक सारी जगहों पे लॉकडाउन था। तो उसके बाद से ये मूवी डिले होती गई, फिर इसका शूट स्टार्ट हुआ 2021 जनवरी में। फिर ये मूवी कंटिन्यू रही और उसके बाद फिर से कुछ लॉकडाउन वाला सिचुएशन हो गई थी, तो फिर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद अब जो हुआ है फाइनली ये मूवी का जो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और एक सॉन्ग रिलीज हुआ पहले, अब उसके बाद ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर और करते हैं ट्रेलर के बारे में बात। ट्रेलर के बाद एक लायन और टाइगर या विजय देवरकोंडा क्रॉस ब्रीड है मेरा बेटा। नाम है लायन, नाम है टाइगर, दोनों का मिक्स, मैं हूँ लाइगर। अच्छा जी या विजय देवरकोंडा ने स्पेशली मार्शल आर्ट्स के लिए अपने ट्रेनिंग थाईलैंड में जाके करी थी। उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके तब इन्होंने मूवी में अपना ये रोल किया है। अरे इसमें शिवगामनी भी है भाई, राजमाता रोनित रॉय, अनन्या पांडे, अबे आई लव या शिवगामनी वाला स्वैग आ रहा है राजमाता का। ये मूवी बेसिकली हिंदी और तेलुगु दोनों में मिक्स ही वो शूट हुई है। तो मूवी में देखने को क्या मिलेगा, पैन इंडिया मूवी है ये भी ऑब्वियसली, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन के लोग, तो अनन्या पांडे जरूरी आई थी आना। वही माइक टाइसन, आई एम अ फाइटर। ये देखो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें देवरकोंडा को यार पता नहीं हकला को दिखा रखा है, इनको स्टैमिनिंग की प्रॉब्लम है क्या। इफ यू आर फाइटर, व्हाट, ये माइक टाइसन है, ये अमेरिका के काफी अच्छे एमएमए फाइटर रह चुके हैं अपने टाइम के। पूरी जगन्नाथ। दोस्तों फाइनली ये ट्रेलर था लाइगर मूवी का, साला क्रॉस ब्रीड, अरे भयंकर की। तो आपने इसमें देखा, आपको देखने को मिले कई सारे कैरेक्टर्स बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों जगह से उठाए गए हैं। जैसे शिवगामनी थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कृष्णायन है कुछ करके ऐसी। अनन्या पांडे की ये फर्स्ट तेलुगु मूवी में डेब्यू है, और अपना विजय देवरकोंडा का फर्स्ट मूवी है जो बॉलीवुड से वो बना रहे हैं, उनका भी डेब्यू है। तो कई सारे डेब्यू देखने को मिल रहे हैं इस मूवी में। और अपने जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, अपना अकड़ी पकड़ी रिलीज हो ही चुका है, और बाकी आप देख ही रहे हैं ट्रेलर में, जो भी आपने देखा वो भी मैंने देखा। और ये ट्रेलर मुझे देख के तो यार देखो एक ही चीज़ लग रही है कि यार इसमें ना विजय देवरकोंडा है जो हैं, उनकी तो खैर बात ही क्या कहनी है, वो तो अलग ही लेवल के प्लेयर हैं। तो वो एमएमए फाइटर बने इस मूवी में, और उन्होंने उनको स्टैम्बरिंग की प्रॉब्लम है, और उसमें अनन्या पांडे भी हैं, जो कि अनन्या पांडे विजय देवरकोंडा के आगे थोड़ी कम लग रही हैं। पर जो भी है मूवी देखेंगे कैसी होगी, बट मैं इस मूवी को देखने जाऊंगा सिर्फ विजय देवरकोंडा सर के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स इस ट्रेलर के नीचे, क्या क्या लोगों ने कमेंट किया है। तो पहला कमेंट किसका है भाई,
गूज़बम्प्स, वाओ माइक टायसन इज आल्सो इन दिस मूवी. एक्चुअली माइक टायसन का भी ये डेब्यू है इंडियन सिनेमा में, तो देखो. हाँ, राम्या कृष्णन इज द बेस्ट एक्टर इन दिस ट्रेलर. आई लव हर एक्सप्रेशन एंड डायलॉग्स. बेसिकली राम्या कृष्णन तो वही हैं बाहुबली वाली आंटी जी शिवगामनी. तो उनके जो डायलॉग्स हैं और आंखों के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसी की वजह से वो मूवी में इतना अलग ही उन्होंने ट्रेलर में अपना ख्याल का मचा रखा है. फाइनली द वेट इज ओवर, मोस्ट अवेटेड ट्रेलर इज हेयर. लाइगर, ओ माई गॉड. सही बात है यार, ट्रेलर ही काफ़ी गजब बना हुआ है. विजय वास इज विल बी टाइगर, चाहे हिंदी, साउथ, पंजाबी, गुजराती. सही बात है यार, देखो विजय देवरकोंडा कहीं भी हो, कहीं सी कोई भी लैंग्वेज की मूवी हो यार, उनकी एक्टिंग गजब है. दिस इज वॉट इज कॉल्ड अ बॉलीवुड डेब्यूट. अमेजिंग, विजय देवरकोंडा इज गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड. सही बात है यार, करने भी चाहिए, काफ़ी मेहनती आदमी है यार. तो ये थे यार कुछ कमेंट्स लाइगर मूवी के ट्रेलर के नीचे. और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.